शुभम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 14 जुलाई से सावन का प्रारंभ हो रहा है। सावन का माह भगवान शिव को प्रिय होता है। सावन के महीने में यदि हम भगवान शिव के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो हमारी हर मनोकामना इस माह में अवश्य ही पूर्ण होती है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव हर भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसे में यदि आप सावन के पहले दिन अपने घर से 3 चीज़ ले जाकर बाबा भोलेनाथ पर अर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और आपकी मनोकामना इस सावन के माह में अवश्य ही पूर्ण होगी। क्या है वह उपाय? पूजनीय पंडित जी ने अपने शिव महापुराण कथा में इस उपाय का वर्णन किया है। आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, साथ में एक बेलपत्र ले लें। बेलपत्र ध्यान रखें कि बहुत ही कोमल सी और कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको एक चावल का दाना लेना है, यानी अक्षत लेना है। चावल का दाना भी सेगा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको शिवजी के मंदिर जाना है और सबसे पहले शिवलिंग पर चावल का दाना आपको अर्पित करना है और उस पर आपको अपनी मनोकामना को कहते हुए बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र की जो डंडी है वह आपकी तरफ होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे एक धार बनाकर जल से पूर्ण शिवलिंग का अभिषेक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और जो जल आपने अर्पित किया है वह शिवलिंग पर से 3 उंगली में लेकर अपने नेत्रों को लगाएं और अपनी मनोकामना को भोलेनाथ से कहें। सावन की इस माह में आपकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर